नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वरिषा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने आज देहरादून में अपना घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में राज्य से जुड़े तमाम मुद्दों को शामिल किया गया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को उत्तराखंडीयत स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र का नाम दिया है। घोषणा पत्र में महंगाई कम करने, बेरोजगारी दूर करने, राज्य के स्थानीय उत्पादों और किसानों की भलाई के लिए योजनाएं, पलायन कम करने की प्रभावी योजना, भ्रष्टाचार मुक्त समाज देने समेत कई मुद्दों को शामिल किया गया है। साथ ही रोजगार में महिलाओं को 40% आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में भर्ती की जाएगी, उसमें 40% महिलाओं को भर्ती किया जाएगा। कमजोर परिवारों के लिए 40,000 की सालाना मदद की जाएगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार हर वर्ग के लिए काम करेगी। स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। घोषणा पत्र जारी होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि ये घोषणा पत्र आगे का रोडमैप है। कांग्रेस की सरकार के सत्ता में आने के बाद इस घोषणा पत्र के आधार पर राज्य का विकास किया जाएगा। सत्ता में आएंगे तो हमारे पास क्या विकास का नक्शा है उत्तराखंड का, उसको हम पेश कर रहे हैं। उत्तराखंड के सम्मान में चार धाम, हजार हजार काम, किशोर पैर निकाली भाई, और उसमें चार पुष्प के रूप में हमने पहले ही अपने चारों धामों को बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री को उनके चरणों में समर्पित कर दिए हैं और बाकी कामों के विषय में आज हम अपने घोषणा पत्र में यहाँ पर जनता को लोकार्पित करेंगे, समर्पित। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद। मैं शुएब अहमद हल्द्वानी विधानसभा से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूं और आप सभी लोगों से अपील करता हूं, अपने इस भाई को एक मौका ज़रूर दें। 5 साल से आपके बीच में हूं और आपके बीच का हूं और सबको मौका दिया है, एक बार मौका ये दें। मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं, हल्द्वानी के विकास के लिए, इस प्रदेश के विकास के लिए बदलाव बहुत ज़रूरी है, एक बार अपने छोटे भाई को मौका ज़रूर दें। शुएब अहमद।